हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 17 यानी कि 17 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जियोग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, शुक्र ग्रह को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे गर्म ग्रह इसको कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह इसको कहा जाता है, सांझ का तारा इसको कहा जाता है, भोर का तारा इसको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसके बारे में नोट रखने हैं। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में नोट रखना है कि इस ग्रह का यानी कि शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 130, द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन इज, तो हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? अब देखो, एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछा करते थे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो वो है मालदीव, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे पूछा जा सकता था कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है मेडागास्कर, जो कि ऑप्शन डी में देकर के रखा हुआ है। एक और पॉइंट आपको हिंद महासागर के बारे में नोट रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वो है सुंडा गर्त यानी कि सुंडा ट्रेंच, और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 8152 मीटर, इसकी गहराई है, ये भी आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास भूमि किससे जानी जाती है? अब देखो, घास के मैदान हमने अक्सर डिस्कस किए हुए हैं। देखो, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो ये हैं उत्तरी अमेरिका में। सो 131 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। अब देखो, ऑप्शन ए में देकर के रखा है पंपाज, तो पंपाज घास के मैदान कहाँ पर हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये हैं अर्जेंटीना में। ऑप्शन बी में है डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन सी में देकर के रखा है स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर हैं तो ये यूक्रेन यानी कि आप कह सकते हो कि यह यूरोप में है। फिर आपको नोट रखना है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो वेल्ड घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। और एक और इंपॉर्टेंट है पुस्टाज घास के मैदान, ये कहां पर है? तो पुस्टाज घास के मैदान है हंगरी में। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 132, द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका वाज डिस्कवर्ड इन, तो अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? तो देखो, कब की गई थी? 1985 में इसकी खोज की गई थी। सो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, आपको बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डेट नोट होनी चाहिए, इसकी एग्जैक्ट डेट में भी आपको कंफ्यूज किया जाता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज किस तरह से करते हैं, आपके सामने ऑप्शंस दे देंगे, जैसे मई 1985, फिर उसके बाद जून 1985, अगस्त 1985, तो इस तरह से भी आपको नोट रखना है कि अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र की खोज जो है तो मई 1985 में की गई थी। कब की गई थी? मई 1985 में की गई थी। और हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओजोन छिद्र था, ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में, तो यह किस स्थान पर हमको देखने को मिला था अंटार्कटिका में? तो यह हमको हेले बे स्टेशन पर देखने को मिला था। कहाँ पर? हेले बे स्टेशन पर देखने को मिला था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। और हाँ, अंटार्कटिका की यहाँ पर बात की गई है, तो अंटार्कटिका पर एक जो है तो ज्वालामुखी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी भारत ने देखो अंटार्कटिका में 3 शोध संस्थान खोल रखे हैं, वह कौन कौन से हैं? तो वह हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 133, वेयर इज सुंडा ट्रेंच, तो सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है? अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो है सुंडा ट्रेंच यानी कि सुंडा गर्त। ओके, अब देखो ऑप्शन बी में देकर के रखा है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है मेरियाना ट्रेंच यानी कि मेरियाना गर्त। और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 11022 मीटर। फिर ऑप्शन सी में अटलांटिक महासागर देकर के रखा हुआ है, तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वो है प्यूरिटो रिको, और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 8392 मीटर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको देखो यहाँ पर नोट रखने। अच्छा, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है यानी कि एरिया कितना है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। देखो अप्रॉक्स आपको बताना है, जैसे इसकी मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, जैसे इसकी 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर 17, या फिर 18। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल अप्रॉक्स तरीके से आपको नीचे कमेंट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें,
सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो देखो सूर्य मंदिर जो है तो ओडिशा में स्थित है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसी सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस वंश के राजा ने किया था, तो इसका निर्माण गंग वंश के राजा ने किया था। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंग वंश का राजा था, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के किस राजा ने किया था, तो गंग वंश के नरसिंह देव ने इसका निर्माण किया था, नरसिंह देव ने इसका निर्माण किया था। अब देखो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल नोट रखना है। ये जो मंदिर है यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, तो 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। और सूर्य मंदिर के बारे में एक और पॉइंट आपको नोट रखना है कि इसको किन किन पत्थरों से बनाया गया है, तो इसको लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट के पत्थर से बनाया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट्स देखो आपको यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अ मेनली पार्ट ऑफ, तो भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किसका भाग था, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था, सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, द पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज, तो पटकाई पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला से संबंधित है, तो देखो यह पूर्वांचल यानी कि पूर्वी पहाड़ी से संबंधित हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो पूर्वांचल पर्वत यानी कि पूर्वी पर्वत है, इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे पटकाई पहाड़ियाँ हो गई, मणिपुरी पहाड़ियाँ हो गई, मिजो पहाड़ियाँ हो गई जो कि मिजोरम में है, फिर नागा पहाड़ियाँ हो गई जो कि नागालैंड में है। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ जो है तो कहाँ किस में आती हैं, तो यह पूर्वांचल पहाड़ियों में आती हैं, ये पॉइंट्स भी आपको नोट रखने हैं। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर दे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, एट द रेट लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे लेट्स प्रिपेयर टूगेदर सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें, विच रिवर इज नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया, तो भारत में किस नदी को ओपन सीवर के नाम से जाना जाता है, तो ये यमुना नदी को ओपन सीवर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ओपन सीवर है क्या, तो देखो ओपन सीवर को क्या कहा जाता है, ओपन सीवर को ही जो है तो खुला नाला कहा जाता है। अब खुला नाला यमुना नदी को ही क्यों कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो इसको ओपन सीवर क्यों कहा जाता है, देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया और सीवेज डिस्पोजल हो गया, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज डिस्पोजल से जो यमुना नदी में देखो भारी प्रदूषण देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ओपन सीवर इसको कहा जाता है, यानी कि खुला नाला इसको कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा आर नोन एज, तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन जाने जाते हैं, आप सभी को पता है कि इनको सुंदर वन कहा जाता है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें, द स्टेट विच टॉप्स इन प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड सीडीज, तो सरसों बीज के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज कंसर्न विद, तो पश्चिमी बंगाल में रानीगंज संबंधित है, आप सभी को पता है रानीगंज क्या है, तो रानीगंज एक कोयला क्षेत्र है जो कि कहाँ पर है, तो यह पश्चिमी बंगाल में है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कोयले से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कोयले के आपसे टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि कोयले के कितने टाइप्स हैं, तो वो चार टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको देखो बहुत बार ये बताए हुए, अगर आपने हमारी जियोग्राफी की प्ले लिस्ट देखी हुई है तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ। और ये एक क्वेश्चन अभी जो है तो क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कोयले से रिलेटेड, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो पहले तो कोयले के चार टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, फिर उसके बाद आता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, उसके बाद आता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला, और उसके बाद आता है पीट प्रकार का कोयला। देखो सबसे पहले है एंथ्रेसाइट, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो वो है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, तो यह भारत में जो है तो जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस प्रकार का पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है तो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि कहाँ पर मिलता है, तो यह भारत के पूर्वी राज्य में मिलता है। पूर्वी राज्यों से मतलब है जैसे आप कह सकते हो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, फिर उसके बाद आप कह सकते हो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, तो ये आ गए पूर्वी राज्य। फिर लिग्नाइट कोला, देखो लिग्नाइट कोले से अभी क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था कि लिग्नाइट कोला किस राज्य में पाया जाता है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद है ऑप्शन पीट प्रकार का कोयला, तो पीट प्रकार का कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जो है तो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स देखो आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अब देखो रानीगंज कोयला क्षेत्र आपको पता चल गया कि ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी बंगाल में है। उसी प्रकार आपसे झरिया कोयला क्षेत्र पूछा जाता है और बोकारो कोयला क्षेत्र पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है,
तो यह झारखंड क्षेत्र में है। फिर सिंगरैनी कोला क्षेत्र, यह कहाँ पर है? तो सिंगरैनी कोला क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है तो सुहागपुर कोला क्षेत्र, सुहागपुर कोला क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में एक और कोला क्षेत्र है, वो है सिंगरौली कोला क्षेत्र। ये दो भी आपको नोट रखने हैं। इंपॉर्टेंट है एक कोरबा कोला क्षेत्र, जो कि अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है, कोरबा कोला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट्स करके बताओ कि तलचर कोला क्षेत्र ये कहाँ पर है, ये आप नीचे कॉमेंट में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्वच्छतम स्रोत है? आपसे भी पता है ऊर्जा का स्वच्छतम स्रोत है विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।